बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सूरत एंड यू आर वाचिंग 5 W's ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो के Act 3 का Scene 1 पढ़ेंगे। अगर आप ओथेलो के Act 1 और Act 2 की ट्रांसलेशंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ओथेलो की प्लेलिस्ट को विज़िट कर लीजिए। वहाँ पर आपको Act 1 और Act 2 की तमाम जो ट्रांसलेशंस हैं वो मिल जाएंगी। ओथेलो के Act 3 का Scene 1 शुरू होता है बिफोर द कैसल, कैसल के सामने शुरू होता है। और इस एक्ट के ड्रामेटिस्ट पर्सोनी यानी इस एक्ट में जो जो करेक्टर्स आए हैं वो हैं क्लाउन, म्यूजिशंस कैसियो, आयागो और एमिलिया, जो कि आयागो की वाइफ है और वो पहली दफ़ा इस सीन में आ रही है। इससे पहले वो इस ड्रामे में नहीं आई थी। जब हमारे सामने Scene 1 आता है तो एंटर कैसियो एंड सम म्यूजिशंस, तो कैसल के सामने कैसियो और कुछ म्यूजिशंस जो हैं वो आते हैं। कैसियो कुछ म्यूजिशंस को कैसल के सामने इसलिए लेके आया है कि वो ओथेलो को खुश करना चाहता है और इस उम्मीद में कि ओथेलो उसको दोबारा उसकी पोजीशन पर बहाल कर देगा। कैसियो कहता है, मास्टर जेंटलमैन शरीफ आदमी प्ले हेयर, यहाँ पर बजाओ, आई विल कंटेंट योर पेंस, कंटेंट रिवॉर्ड कंपनसेट, मुआवजा देना, योर पेंस में आपकी तकलीफ़ का तमाम मुआवजा अदा करूँगा, समथिंग दैट्स ब्रीफ, आप कुछ ऐसा बजाओ जो कि मुख्तसर हो, एंड बिड गुड मॉरो जनरल, मॉरो मॉर्निंग सुबह का सलाम, और जनरल को सुबह का सलाम कहो। जब वो ये कहता है तो तमाम म्यूजिशन जो है वो म्यूज़िक बजाना शुरू कर देते हैं। जो म्यूज़िक बजता है तो एक एंटर क्लाउन, तो वहाँ पर एक मस्करा आता है जो कि उसी कैसल में मुलाजम है। वो कहता है, क्लाउन, व्हाई मास्टर्स, क्यों जेंटलमैन, क्यों शरीफ आदमियों, हैव योर इंस्ट्रूमेंट्स बीन इन नेपल्स, क्या तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो नेपल्स में थे, डैड दे स्पीक इन द नोज दस, के वो इस तरह से नाक में बोल रहे हैं। क्लाउन ने नेपल्स का नाम इसलिए लिया है कि नेपल्स जो है वो इटली का एक शहर है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी डिजीज़ फैली हुई थी, सिफिलिस उसका नाम था, जिसकी वजह से जो नाक है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती थी और आवाज़ जो थी वो नाक में आने लग जाती थी। इसी वजह से क्लाउन ने कहा है कि ये जो तुम्हारे म्यूज़िक हैं वो नाक में बोलने वाली जो स्ट्रेंज म्यूज़िक है उसकी तरह क्यों आवाज़ निकाल रहे हैं। जब वो ये कहता है तो फर्स्ट म्यूजिशियन कहता है, हाउ सर, हाउ, कैसे जनाब, क्लाउन, आर दीज आई प्रे यू विंड इंस्ट्रूमेंट्स, क्या ये जो हैं तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या ये हवा से बजने वाले हैं। फर्स्ट म्यूजिशियन, पहला म्यूजिशियन कहता है, ए मैरी आर दे सर, मैरी मरियम की कसम, जी जनाब वो हवा से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लाउन, और देयर बाय हैंग्स अ टेल, इसी वजह से उनकी एक टेल भी उनके पीछे एक दुम लटक रही है। फर्स्ट म्यूजिशियन कहता है, वेयर बाय हैंग्स आर टेल, सर जनाब कहाँ है, हमें तो कोई धूम नहीं नज़र आ रही। क्लाउन कहता है, मैरी बाय मैरी मरियम की कसम, सर जनाब आई मैनी अ विंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई नो, मैं बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जानता हूँ जिनके पीछे टेल होती है। बट मास्टर्स, लेकिन जेंटलमैन शरीफ आदमी, हेयर्स मनी फॉर यू, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ रकम है, एंड द जनरल सो लाइक्स योर म्यूज़िक, और तो जनरल को तुम्हारा म्यूज़िक कितना पसंद आया है, डैट ही डिज़ायर यू, कि वो तुमसे रिक्वेस्ट करता है, विश करता है, फॉर लव सेक, उसकी मोहब्बत की खातर, टू मेक नो मोर नॉइज विद इट, कि तुम लोग इसके साथ और ज़्यादा शोर, जो नॉइज़ है वो ज़्यादा शोर पैदा ना करो। फर्स्ट म्यूजिशियन कहता है, वेल सर वी विल नॉट, जनाब अच्छा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम म्यूज़िक नहीं बजाएंगे। क्लाउन, इफ़ यू हैव एनी म्यूज़िक दैट मे नॉट बी हर्ड, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा म्यूज़िक है जो सुनाई न दे, यानी कोई साइलेंट म्यूज़िक है, टू इट अगेन, तो तुम इसको बजा सकते हो। बट एज दे से टू हेयर म्यूज़िक, लेकिन जहाँ तक म्यूज़िक सुनने की बात है, जनरल डज नॉट ग्रेटली केयर, तो जनरल यानी ओथेलो को म्यूज़िक सुनने की कोई ख़ास परवाह नहीं है। फर्स्ट म्यूजिशियन, वी हैव नन सच सर, जनाब हमारे पास कोई ऐसा साइलेंट म्यूज़िक नहीं है। क्लाउन, देन पुट अप योर पाइप्स इन योर बैग, तो फिर ऐसा करो ये जो सारे पाइप्स हैं इनको अपने बैगों में बंद करो। फॉर आई विल अवे, क्योंकि मैं तो जाने लगा हूँ, गो वैनिश इन टू एयर, जाओ हवा में गुम हो जाओ, अवे चले जाओ, एग्जिट म्यूजिशियंस, जब म्यूजिशियन ये सुनते हैं तो वो भी चले जाते हैं। उसके बाद कैसे कहता है, दोस्त दो हेयर माई ऑनेस्ट फ्रेंड, कैसे क्लाउन से कहता है कि मेरे ईमानदार दोस्त क्या तुम मुझे सुन रहे हो। क्लाउन कहता है, नो आई हेयर नॉट योर ऑनेस्ट फ्रेंड, ए ईमानदार दोस्त मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, आई हेयर यू, लेकिन मेरे कान जो है वो तुम्हारी ही तरफ हैं।
कैसे हो प्रीति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कीप अप द क्यूलेट्स। क्यूलेट्स हो गए क्यूबल्स, प्ले अपॉन वर्ड्स, जो वर्ड के साथ जुगतें मारी जाती हैं वो कहते हैं इन अपनी जुगतों को जारी रखो। देयर इज अ पोर पीस ऑफ गोल्ड फॉर दी, मेरे पास तुम्हारे लिए सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है। इफ द जेंटल वूमेन दैट अटेंड्स द जनरल्स वाइफ बी स्ट्रेटिंग, अगर वो शरीफ खातून जो अटेंड करती हैं यानी जो सर्व करती हैं जनरल की वाइफ को, अगर वो उठ गई हैं, स्ट्रेटिंग उठ गई हैं, हिल रही हैं, बेदार हो गई हैं, टेल हर देयर्स वन कैसियो इंट्रीट्स हर, तो उसे बताओ कि कैसियो नाम का एक आदमी है वो इंट्रीट्स हर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है अ लिटल फेवर, एक छोटी सी फेवर की ऑफ स्पीच, क्या आप उससे बात करें। वेट दो डू दिस, क्या आप ऐसा करेंगे। क्लाउन शी इज स्टेयरिंग, जी जनाब उठ गई है। इफ़ शी विल स्टेयर हीदर, अगर वो यहाँ पर आई, आई शैल सीम टू नोटिफाई अन टू हर, अन टू टू अन टू यहाँ इस जगह की जानब, इस जहाँ पर सीम अरेंज, तो मैं उसको यहाँ पर आप के पास लेकर आऊँगा, उसे आपसे मिलने का बंदोबस्त करूँगा। कैसियो डू गुड माई फ्रेंड, जनाब मेरे अच्छे दोस्त तुम ऐसा ही करो। एग्जिट क्लाउन, इसके साथ ही क्लाउन जो है वहाँ से चला जाता है। और एंटर आयागो, आयागो एंटर होता है। इन हैप्पी टाइम आयागो, कैसियो से कहता है वेल मेट आयागो, बहुत अच्छी टाइमिंग है, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। आयागो कहता है यू हैव नॉट बीन अ बेड देन, अ बेड इन बेड, क्या तुम अपने बिस्तर में नहीं थे। कैसियो वाई, क्यों, नो नहीं। The day had broke before we parted. जब हम अलग हुए थे, parted जब हम जुदा हुए थे, तो day had broke, तो दिन पहले ही चढ़ चुका था। I have made bold Iago, इसके साथ ही मैंने एक bold decision भी कर लिया है, मैं बहादुर हो गया हूँ। To send into your wife, कि मैं तुम्हारी जो wife है Emilia उससे बात कर सकूँ। My suit to her is, और मेरी जो suit, मेरी formal request उससे जो दरख्वास्त होगी वो ये होगी that she will to virtuous Desdemona, कि वो जो virtuous pathetic sorry sympathetic Desdemona है, kind Desdemona है, उसके सामने क्या करें, procure me some access, get करे, persuade करे some access, उस तक मेरी रसाई हासिल करे। वो कहता है कि मैं आपकी बीवी से दरख्वास्त करूँगा कि वह मेरी Desdemona से बात करवा दे। I go, I'll send her to you presently. मैं तुम्हें अभी ही भेजता हूँ अपनी वाइफ के पास। And I'll devise a mean way method to draw the moor out of the way. और मैं कोई ऐसा डिवाइस करूँगा, रास्ता निकालूँगा कि मैं उस मूर को उस जगह से दूर ले जाऊँ, आउट ऑफ द वे ले जाऊँ। डैट योर कन्वर्स एंड बिजनेस में बी मोर फ्री, कि तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है, तुम्हारी जो डिस्कोर्स है, तुम्हारी जो बातें हैं Desdemona के साथ, मे बी मोर फ्री, ताकि तुम आज़ादी से Desdemona से अपनी जो बात है वो कर सको। कैसे कहता है आई हम्बली थैंक यू फॉर इट, कहते हैं मैं बहुत खुशी से आपके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ आयागो वहाँ से चला जाता है। और कैसियो दिल में सोचता है आई नेवर न्यू अ फ्लोरेंटाइन मोर काइंड एंड ऑनेस्ट। फ्लोरेंटाइन हो गया फ्लोरेंस के रहने वाला, कैसे चूँकि फ्लोरेंस के रहने वाला है, वो दिल ही दिल में कहता है कि आयागो जो है वो इतना काइंड और ऑनेस्ट है कि वो फ्लोरेंटाइन जैसा ही है, फ्लोरेंस में रहने वालों की तरह है। यहाँ पर कैसे क्योंकि अपने शहर से मोहब्बत करता है, इसलिए वो शहर की जो खूबी है वो काइंड और ऑनेस्ट इसी में आयागो को यूज़ कर रहा है। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो आयागो हर किसी को फूल करने में कामयाब हो रहा है, हर कोई समझता है कि आयागो एक ऑनेस्ट और काइंड पर्सन है। जब आयागो चला जाता है तो एंटर Emilia, उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और कहती है गुड मॉरो गुड ल्यूटेनेंट, अच्छे लेफ्टिनेंट, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। आई एम सॉरी फॉर योर डिसप्लेयर, डिसप्लेयर बीइंग आउट ऑफ फेवर, यानी तुम्हारे साथ जो ज़्यादती हुई है, मैं इसके लिए आपसे सॉरी करती हूँ, शर्मिंदा हूँ। बट ऑल विल श्योर बी वेल, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। द जनरल एंड हिज वाइफ आर टॉकिंग ऑफ इट, जनरल उसकी बीवी जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड शी स्पीक्स फॉर यू स्टाउटली, और वो जो Desdemona है तुम्हारे हक में बहुत स्टाउटली मजबूती से बोल रही है।
The moon replies, और मोर का जवाब ये है that he you heard is of great fame in Cyprus and great affinity relationship. वो कहता है कि तुमने जिसको मारा है उसको साइप्रस में उसकी बहुत अच्छी फेमस है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है एंड ग्रेट अफिनिटी और बहुत उसकी वेल नोन है, बहुत अच्छी जाने शोहरत का मालिक है एंड दैट इन होलसम विजडम, लेकिन जो रीज़नेबल विजडम अकल का तकाजा है ही माइट नॉट बट रिफ्यूज यू, इस वजह से वो अकल का तकाजा यही है कि वो तुम्हें रिफ्यूज़ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, बट ही प्रोटेस्ट ही लव यू, लेकिन ओथेलो जो है वो इस बात का दावा करता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है एंड नीड्स नो अदर सूटर, और तुम्हारे मुकाबले में कोई और जो शख्स है कोई कैंडिडेट नहीं है, बट हीज़ लाइकिंग्स टू टेक द सेफेस्ट ओकेजन By the front, फॉर लॉक सामने लेकर आना टू ब्रिंग यू इन अगेन, लेकिन उसे जब भी अच्छा मौका मिला तो वह तुम्हें फ़ौरन दोबारा लाने में देर नहीं करेगा, फ़ौरन सामने ले आएगा यानी दोबारा तुम्हें अपनी पोजिशन पर बहाल कर देगा। कैसी हो येट आई बी सी एच यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इफ़ यू थिंक फिट, अगर आपको मुनासिब लगे एंड दैट इट मे बी डन, और अगर ये हो सके गिव मी एडवांटेज ऑफ सम ब्रीफ डिस्कोर्स विद डेस्टिमोना अलोन, तो मुझे एडवांटेज दें, मुझे मौका दें सम ब्रीफ डिस्कोर्स कि मैं ब्रीफ डिस्कोर्स कर सकूँ, खुलकर बात बयान कर सकूँ विद डेस्टिमोना अलोन, कि मैं अकेले में डेस्टिमोना से बात कर सकूँ। अमेलिया कहती है प्रे यू कम इन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अंदर आ जाएँ, आई विल बेस्टो यू वेयर यू शैल हैव टाइम टू स्पीक योर बॉसम फ्रीली, बॉसम सीना अपने दिल की बात, वो कहता है आ जाओ, वो कहती है आप अंदर आ जाओ मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर तुम डेसिमिनो से अपने दिल की बात जो है वो फ्रीली आसानी से बात कर सको। कैसे कहता है आई एम मच बाउंड टू यू, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ कैसियो और अमेलिया वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारे एक्ट 3 का सीन 1 कंप्लीट हुआ, सीन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।